हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन, वेरी गुड स्टूडेंट्स. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6, विच नेम इज़ द गिफ्ट्स ऑफ फलीदाद. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग स्टोरी, एंड आई होप you have enjoyed that story. And today we are going to study to read our chapter number 7 of class 6, which name is the monkey puzzle tree. Students, do you think what is the monkey puzzle tree? Can you tell me anything about it? And can you guess anything why this name is monkey puzzle tree? The students, in this video, in this chapter, we will study about the monkey puzzle tree, its scientific name, and where, in which country this is the national tree, and which country is the native, यानी ये किस country का है, ये किस country का national tree है, और इसका नाम जो है monkey puzzle tree क्यों है. In this video, in this chapter, we will study all these things. The students, here are the names of some of the great trees of India. Most of these trees have stories associated with them. Can you think of any? Share the stories with your class. They may be stories in your mother tongue. They may even be ghost stories. Students, here are some large trees. कुछ यहाँ पर जो बड़े बड़े trees होते हैं उनके name हैं, और उनसे कोई ना कोई जो story है वो associate होती है, relate होती है. तो क्या आप भी कोई ऐसी स्टोरी जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आपको उसे अपनी क्लास के साथ डिस्कस करना है. वो स्टोरी आपकी मदर टंग में हो सकती है, कोई घोस्ट वाली स्टोरी भी हो सकती है ना. तो यहाँ पर 4 ट्रीज नेम दिए हैं, बनियन ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड टैमरिन ट्री. यू कैन डिस्कस द स्टोरी अबाउट दीज ट्रीज एंड एनी अदर स्टोरी विद योर क्लासमेट्स. तो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये मंकी पजल ट्री जो है वो कैसा है और क्यों है? योर चैप्टर इज सेंटर अराउंड द मंकी पजल ट्री. इट्स साइंटिफिक नेम इज ऑराकेरिया ऑरिकाना. इट इज एन एवर ग्रीन कॉनिफर नेटिव टू चिली एंड अर्जेंटीना. इट इज द नेशनल ट्री ऑफ चिली एंड कैन लीव 400s ऑफ ईयर्स. इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इन मैनी कंट्रीज. ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं इस ट्री के अंदर हैं. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अ ट्री दैट अ मंकी कांट क्लाइंब, नॉट पॉसिबल. वन वुड थिंक, बिलीव इट और नॉट, देयर इज सच अ ट्री एंड वन दैट गेट्स इट्स नेम फॉर इट दिस वेरी फीचर. द मंकी पजल ट्री और ऑराकेरिया ऑराकाना इज एन एवर ग्रीन कॉनिफर दैट इज नेटिव टू चिली एंड अर्जेंटीना. इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ चिली. तो स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ट्री है इसके ऊपर मंकी नहीं चढ़ सकता. ऐसा नहीं है, और तो ऐसा माना जाता है कि मंकी तो क्लाइंब कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन ये ट्री ज़रूर है. उसके फीचर्स क्या जो ऐसे हैं, इसीलिए उसका नाम जो है मंकी पजल ट्री रखा गया है. यानी उसकी आप इस चैप्टर की जो पिक्चर है उसमें देख सकते हैं. उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो लीव्स हैं, वो एक दूसरे में उलझी हुई सी लगती हैं. और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ऑराकेरिया ऑराकाना है, और ये एक एवर ग्रीन कॉनिफर ट्री है. कॉनिफर ट्रीज़ के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने SST में पढ़ा होगा. कॉनिफर ट्रीज़ वो होते हैं जिनकी जो है नुकीली पत्तियां होती हैं. और ये कहाँ का नेटिव है, यानी ये कहाँ पाया जाता है? चिली और अर्जेंटीना में. और ये चिली का जो है नेशनल ट्री है. दो इट इज़ नॉट अ मेम्बर ऑफ द पाइन फैमिली, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द चिलियन पाइन और द चिली पाइन. ये पाइन फैमिली जो पाइन ट्रीज होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, फिर भी इसे चिलियन पाइन और चिली पाइन के नाम से जाना जाता है. द ट्री ग्रोज स्लोली एंड लीव्स 400 ऑफ ईयर्स. इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू मैनी प्लेसेज अराउंड द वर्ल्ड वेयर इज इट इज़ ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. ये जो है ट्री वो बहुत स्लो ग्रो करता है, बहुत स्लो बढ़ता है, बड़ा होता है, और ये जो है 400 ईयर्स तक रह सकता है. और ज़्यादातर जगहों पर जो है इसे जाना जाता है, लोग इसके बारे में जानते हैं, और कहीं कहीं पर इसको ऑर्नामेंटल प्लांट यानी खूबसूरती के लिए भी यूज़ किया जाता है. द मंकी पजल ट्री इज़ यूनिक एंड अनयूजअली अट्रैक्टिव. वट मेक्स द प्लांट मोर इंटरेस्टिंग इज दैट इट्स एंसेस्टर्स को एग्जिस्टेड विद द डायनासोर्स
मीन्स द मंकी पजल ट्री इज़ यूनिक एंड अनयूजअली अट्रैक्टिव, मतलब ये बहुत यूनिक होता है, सबसे अलग होता है और अनयूजअल होता है, यानी कॉमन नहीं होता और अट्रैक्टिव होता है, अनयूजअल यानी कि जो असाधारण रूप से अट्रैक्टिव होता है। इसीलिए जो है ये प्लांट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जो इस एंसेस्टर्स को एग्जिस्टेड विथ द डायनासोर्स, मतलब ये इस लाइन का ये मीनिंग है कि ये जो है बहुत ही पुराना ट्री है, क्योंकि डायनासोर्स जो होते थे वो बहुत पहले होते थे, बहुत लॉन्ग अवे होते थे, बहुत पुराने टाइम में होते थे, तो इसलिए ये जो है मंकी पजल ट्री या फिर ऑरकेरिया ये भी तभी का ट्री है, इतना पुराना ट्री है। द मॉडर्न ट्री हैज़ पेक्यूलियर लीव्स एंड आई कैचिंग ट्रंक एंड ब्रांचेज दैट ग्रो फ्रॉम द ट्रंक इन वॉल्ड्स। As the tree grows, it loses its lower branches and becomes a tall and very imposing plant. ये ट्री जो है इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं, मॉडर्न जो ट्री है उसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत पेक्यूलर होती हैं, विशेष होती हैं, स्पेशल होती हैं। और एन आई कैचिंग ट्रंक, आई कैचिंग का मतलब यह है कि जिस पर नज़र पड़ते ही वो, मतलब दिखते ही ऐसा हो कि हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और जो है इसकी और क्या क्वालिटी है, एंड ब्रांचेस दैट ग्रो फ्रॉम द ट्रंक इन हॉल्स, हॉल्स मीन्स गोलाकार चक्र के रूप में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं, मतलब जब ट्रंक में से इसकी जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं वो ऊपर की साइड गोलाकार हॉल्स के रूप में बन जाती हैं। एज द ट्री ग्रोज इट्स लॉसेस इट्स लोअर ब्रांचेस एंड बिकम अ टॉल एंड वेरी इम्पोजिंग प्लांट। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जो है इसकी जो है ब्रांचेस, नीचे की जो ब्रांचेस हैं उनको लॉस कर देता है, यानी वो गिर जाती हैं और ऊपर की तरफ ये बढ़ता है और टॉल हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो इसकी जो लीव्स हैं वो पेक्यूलियर होती हैं, हैरत करने वाली होती हैं, स्ट्रेंज होती हैं, अजीब सी होती हैं, और जो है इसकी ब्रांचेस जो हैं वो जब निकलती हैं तो ऊपर की साइड बढ़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मंकी पजल ट्री आर टिपिकल प्लांट्स दैट सम पीपल फाइंड फैसिनेटिंग वाइल अदर थिंक ऑफ एज अबनॉर्मल। मंकी पजल ट्री जो है वो एक टिपिकल ट्री है, यानी कि हर वो बिल्कुल अलग है, विशेष है, उसके बारे में कोई सोचता है कि बहुत अच्छा है और कोई सोचता है कि अबनॉर्मल है, यानी नॉर्मल नहीं है। द डायमीटर्स ऑफ दीज ट्री ऑफ दीज ट्रीज कैन बी अप टू 7 feet, सो स्मॉल वॉन्डर दे ग्रो टू बी एज टॉल एज 150 feet। द ट्री इज सेट टू लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज 1000 years। इसके का जो डायमीटर्स होता है वो 7 feet का होता है, यानी जो इसकी ब्रांचेस जो चौड़ाई में निकलती हैं, बढ़ती हैं, वो 7 feet तक होती हैं, और इसकी जो लेंथ होती है ट्री की, यानी ऊपर की साइड जो है बढ़ता है, 150 feet तक बढ़ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये जो ट्री है ये 1000 years तक भी रह सकता है। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस अ यंग ट्री स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ इट्स अपराइट फॉर्म एंड सिमेट्रिकल शेप, बट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स द ट्रीज स्ट्रेंज लीव्स एंड ट्रंक बिकम्स ऑब्वियस। क्या होता है, जो ट्री है जब उसे हम दूर से देखते हैं, एक डिस्टेंस से देखते हैं, तो क्या होता है, जब हम इस ट्री को डिस्टेंस से देखते हैं तो क्या होता है, ये हमें सिमेट्रिकल दिखता है और ऊपर की तरफ अपराइट दिखाई देता है, यानी सिमेट्रिकल तो आप जानते होंगे, सिमेट्रिकल ये शेप में दिखाई देता है, यानी इसकी हाफ हाफ ब्रांचेस दिखाई देती हैं, हाफ इधर हैं और हाफ इधर हैं। लेकिन जब हम इसके कुछ पास जाते हैं, कुछ क्लोज जाते हैं, तो इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत स्ट्रेंज होती हैं, और फिर हमें पता चल जाता है, बिकम ऑब्वियस यानी जाहिर हो जाती हैं कि एक्चुअल में जो उसकी लीव्स हैं वो कैसी हैं। The leaves of the monkey puzzle tree are quite different from usual green leaves of most trees. They are thick and rather stiff and have a pointed tip. इसकी जो leaves होती हैं वो दूसरे जो पेड़ green जिनकी green leaves होती हैं उनसे बहुत अलग हैं इसकी leaves, और जो है वो नुकीली होती हैं, होती तो green हैं लेकिन नुकीली होती हैं।
The branches of the trees are completely covered by these leaves as they overlap each other as they grow. इसकी जो branches होती हैं वो invisible हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इसके ऊपर इतनी leaves होती हैं कि ये इसको overlap कर लेती हैं, बिल्कुल branches को जो है इसकी leaves cover कर लेती हैं. Students, इस ट्री के बारे में ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको याद रखना चाहिए, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी भी चाहिए. बट नो मैटर व्हाट द ट्री में द ब्रांचेज ऑफ द ट्री बट नो मैटर व्हाट द ट्री में रिमाइंड वन ऑफ द ओवरऑल इफेक्ट इज इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ द ग्रेट हाइट ऑफ द ट्री. तो अगर हम इसका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट देखें, इसकी टोटल मिलाकर जो क्वालिटी देखें वो क्या है, इसकी हाइट, ये जो है बहुत ऊंचा होता है और इसकी हाइट जो है बहुत ग्रेट है, इम्प्रेसिव है. एज द ट्री मैच्योर्स द रिजेस ऑन द बॉटम ऑफ द ट्रंक स्टार्ट टू लुक लाइक फोल्ड्स. बट नो मैटर व्हाट द ट्री में रिमाइंड वन ऑफ, इसकी जो एक चीज़ है वो हमें क्या रिमाइंड करती है, द ओवरऑल इफेक्ट. एज द ट्री मैच्योर द रिजेस ऑन द बॉटम ऑफ द ट्रंक स्टार्ट टू लुक लाइक फोल्ड्स. इसके जो ट्रंक होता है, ट्रंक के ऊपर जो रिजेस होती हैं, लकीरें होती हैं, वो नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर तक फोल्ड होती हैं. द बेस ऑफ द ट्रंक में इवेंचुअली रिजेंबल एंड एन एलिफेंट्स फूट. इसका जो ट्रंक होता है, इसका जो बेस होता है, उसे किससे रिसेंबल किया गया है, किससे उसको मिलाया गया है, एलिफेंट्स फूट से. जैसे एलिफेंट का फूट होता है बड़ा सा मोटा सा, वैसे ही इसके बेस को बताया गया है. द लोअर ब्रांचेज ऑफ द ट्री फॉल एज ऑफ द ट्री ग्रोज लीविंग अ क्राउन ऑफ ब्रांचेज एट द टिप एंड अ टॉल ट्रंक अंडरनीथ. जब पेड़ जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसकी जो लोअर ब्रांचेज होती हैं वो गिर जाती हैं, और ये जो है एक लीविंग अ क्राउन ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज का जो है एक क्राउन सा बन जाता है एट द टिप एंड अ टॉल ट्रंक अंडरनीथ, और ट्रंक के नीचे जो है ब्रांचेज का एक क्राउन सा बन जाता है. जब पेड़ ग्रो होता है ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसकी जो नीचे की ब्रांचेज होती हैं वो फॉल ऑफ हो जाती हैं. द क्राउन इज ऑफन अम्ब्रेला शेप्ड, और इसकी जो शेप होती है क्राउन की वो कैसी होती है, जैसे अम्ब्रेला होता है, नीचे से वाइड होता है और ऊपर से थिन होता है, वैसी ही इसकी शेप बन जाती है क्राउन की. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स नोट विद स्टैंडिंग द ट्री इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी बट द लीव्स कैन बी पेनफुल टू टच. इन सब फीचर्स के, इन सब अच्छे फीचर्स के बावजूद जो ट्री है वो क्या है, इन सब अच्छे फीचर्स में अगर हम अंतर करें तो इन सब के बावजूद जो ट्री है वो उसको, उसके बारे में स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है. यानी अगर हम इसके बारे में कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करें, इंफॉर्मेशन लेकर हम उसको पढ़ें, उसके बारे में देखें कि कहाँ का है, कैसा है, तो अच्छा लगता है. लेकिन इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत पेनफुल होती हैं, यानी अगर हम उनको टच करेंगे तो वो हमें पेन करेंगी, क्योंकि वो कैसी होती हैं, स्पिकी होती हैं, नुकीली होती हैं. मंकी पजल ट्रीज बियर कॉन्स ऑन द अपर ब्रांचेज. द कॉन्स टेक 18 मंथ्स और लॉन्गर टू मैच्योर. लाइक द लीव्स द स्पिकी कॉन्स आर इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व बट कैन बी पेनफुल टू नीडल. तो मंकी पजल ट्रीज बियर कॉन्स ऑन द अपर ब्रांचेज, इसकी जो अपर ब्रांचेज होती हैं उनमें जो क्या कहते हैं लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉन्स की तरह होती हैं, नुकीली होती हैं. द कॉन्स टेक, ये 18 मंथ्स लेती हैं या फिर इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं मैच्योर होने के लिए. लाइक द लीव्स द स्पिकी कॉन्स आर इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व, इनको देखना, इनको महसूस करना अच्छा लगता है. लेकिन स्पिकी मीन्स कांटेदार, ये कांटेदार होती हैं, अच्छा लगता है. लेकिन क्या है, ये अगर हम इनको हैंडल करें, अगर हम इनको छुएं, टच करें, तो ये कैसी हो सकती हैं, निडिल की तरह पेनफुल हो सकती हैं, यानी चुभ सकती हैं हाथों में. द सीड्स ऑफ द मंकी पजल ट्री आर लार्ज, इटेबल एंड बिलीव टू बी डिलीशियस. दे आर अबाउट द साइज ऑफ एन आमंड एंड फॉर्म अ स्टेपल फूड इन द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका. इसकी जो सीड्स होती हैं, इसके जो बीज होते हैं, वो खाने योग्य होते हैं, लोग उनको खाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत डिलीशियस होते हैं, टेस्टी होते हैं. और इसकी जो, इसका जो साइज़ होता है सीड्स का, वो कैसा होता है, बिल्कुल आलमंड जितना, यानी एक बादाम के शेप की जितनी इसकी सीड की साइज़ होता है,
और उसको खाया जाता है। और ये जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका में स्टेपल फूड बन गया है। स्टेपल मीन्स मुख्य वहाँ के लोगों का मेन फूड बन गया है। दे ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस फॉर इंडिजेनस पीपल। द सीड्स आर ईटन रॉ और एट आर बॉइल्ड और रोस्टेड। इसकी जो है सीड्स उन्हें रॉ भी खाया जाता है, यानी कच्चा भी खाया जाता है, बॉइल करके भी खाया जाता है, और जो है रोस्ट करके भी, भून कर भी खाया जाता है। लेकिन जो है वहाँ के जो स्वदेशी लोग हैं वो लोग इसे खाते हैं साउथ अमेरिका के, और वो इसे ऐसा समझते हैं कि ये जो है स्पिरिचुअल है, यानी उनके धर्म से रिलेटेड है। तो इस तरह से इसका जो बीज होता है, इसकी जो सीड्स होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दे आर ऑल्सो मिल्ड इन टू अ फ्लोर दैट इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड फर्मेंटेड टू मेक अ बेवरेज। इसको जो है फ्लोर भी किया जाता है, यानी इसका आटा भी बनाया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, और इसका फर्मेंट भी किया जाता है, यानी इसका खमीर भी बनाया जाता है बेवरेज के लिए, यानी कोई ड्रिंक बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? मंकी पजल ट्री के सीड का। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। आउटसाइड ऑफ द नेटिव हैबिटेट, अगर हम जहाँ का ये पेड़ है, जहाँ का ये नेटिव है, उससे बाहर आते हैं, मंकी पजल ट्री ग्रो वेल इन ब्रिटेन एंड इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो वहाँ से हटकर, यानी अर्जेंटीना चिली से हटकर अगर हम देखें तो ब्रिटेन और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी मंकी पजल ट्री पाया जाता है। दे ऑल्सो ग्रोन इन नॉर्थन कैलिफोर्निया एंड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इन सब रीजन में, इन सब कंट्रीज़ में वी कैन सी मंकी पजल ट्री। द ट्री डज बेस्ट इन अ माइल्ड क्लाइमेट दैट रिसीव्स अ गुड सप्लाई ऑफ रेन एंड लाइक फुल सनलाइट। मीन्स इफ दिस ट्री गेट गुड सनलाइट एंड गुड रेन इट कैन ग्रो वेल। अगर इसे अच्छी बारिश और अच्छी सनलाइट, सूरज की रोशनी मिलती है, तो ये अच्छा हो जाता है। बट इट डज नॉट ग्रो इन शेड। इट ग्रोज इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सोइल एज लॉन्ग एज दे आर वेल ट्रेंड। द ट्री विल टॉलरेट सॉल्ट स्प्रे फ्रॉम द ओशियन। हाउएवर इट डज नॉट डू वेल इन अ हॉट ड्राई क्लाइमेट और इन पॉल्यूटेड एरियाज। जो मंकी पजल ट्री है वो पॉल्यूटेड एरियाज में, ड्राई क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेट में अच्छा नहीं होता है, और शेड में भी अच्छा नहीं होता है। हालांकि ये जो है समुद्र के आसपास होता है, तो उसका जो सॉल्टी स्प्रे होता है उसे भी टॉलरेट करता है, और इसकी जो मिट्टी होती है वो भी बहुत अच्छी वेराइटी की होती है। तो इसलिए इसको ग्रो होने के लिए, अगर अच्छा ग्रो होना है, तो इसको अच्छी बारिश, अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पेज, क्लाइमेट इन पॉल्यूटेड एरियाज। सीड्स आर सीडलिंग्स ऑफ अ मंकी पजल ट्री प्रोड्यूसेस एज अ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट। इसके जो सीडलिंग्स होती हैं, जो जब ये इसके छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, तो उनको जो है ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी खूबसूरती के लिए यूज़ किया जाता है। द ट्री इज़ समटाइम्स ग्रो इन अ कंटेनर एज अ हाउस प्लांट। और कभी कभी इस ट्री को जो है कंटेनर के अंदर भी हम ग्रो कर सकते हैं, हाउस के अंदर, अगर घर के अंदर हम इसको रखना चाहें तो कैसे किया, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कंटेनर में इसे ग्रो किया जाता है। मंकी पजल ट्री ग्रो वेरी स्लोली, ये बहुत स्लो ग्रो होता है, बहुत आहिस्ता से बढ़ता है। द सीड्स जनरली जर्मिनेट इन 1 to 2 months। इट मे टेक एज लॉन्ग एज 30 to 40 years बिफोर न्यू सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसकी जो सीड होती हैं वो जर्मिनेट होने के लिए 1 to 2 months, 1 to 2 months लेती हैं, और इसकी जो न्यू जो है सीड्स प्रोड्यूस होती हैं वो कितना टाइम लेती हैं, 30 to 40 years लेती हैं। एक बार सीड्स आ जाती हैं, फिर हम उनको जर्मिनेट करते हैं, 1 to 2 months लेती हैं, अगली बार जब इन पे सीड्स आती हैं तो वो 30 to 40 years के बाद आती हैं। द IUCN और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज़ क्लासीफाइड द वाइल्ड मंकी पजल ट्री पॉपुलेशन एज एंडेंजर्ड। IUCN ने इस
इस स्पीसीज को, इस पॉपुलेशन को एंडेंजर्ड बताया है. दिस इज़ वेरी वरिंग इन्फॉर्मेशन. इट वुड बी वेरी सैड टू लॉस दिस यूनिक ट्री फ्रॉम आर प्लैनेट. मतलब ये है कि ये जो है हमारे लिए बहुत सैड न्यूज़ है, बैड इन्फॉर्मेशन है कि अगर हमारे प्लैनेट से, हमारी अर्थ से इतना यूनिक, इतना इंटरेस्टिंग, इतना अमेजिंग ट्री जो है वो लॉस हो जाता है. As in the case of several other forms of vegetation, the monkey puzzle tree are also facing the challenges of deforestation. Other vegetation की तरह monkey puzzle tree जो है वो भी deforestation का शिकार हो रहा है, वो भी उस चैलेंज को फेस कर रहा है. This happen primarily due to logging and burning. लॉगिंग के लिए लोगों की पॉपुलेशन जो है, लोगों को जो है लॉगिंग की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है और बर्निंग की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसा होता है. दो दीज ट्रीज़ आर एबल टू विदस्टैंड फायर्स दैट अक्योर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कॉजेज, दे आर नॉट हार्डी इनफ टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम मैन मेड फायर्स. और जो है ये ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करने के लायक हैं, लेकिन फिर भी ये कब तक जो है इंसान के सामने, हम लोग जो है क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफ्रस्ट्रेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो ऐसा करने से जो है पेड़ों को नुकसान पहुंचता है, वो जो है ख़त्म होते जा रहे हैं. और जब वेजिटेशन नहीं रहेगी तो जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसको भी नुकसान पहुंचता है. दे आर नॉट हार्डी इनफ टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम मैन मेड फायर्स. और वो अपने आप को मैन मेड फायर से ज़्यादा टाइम तक कैसे बचा सकते हैं, कैसे वो उसका सामना कर सकते हैं. अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रस्ट्रेशन. डिफ्रस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारे कामों के लिए लकड़ी जो है वो काटी जाती है, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में. पीपल कट डाउन ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉर क्रिएटिंग ग्रेजिंग एरियाज फॉर कैटल. लोग डिफ्रस्ट्रेशन क्यों करते हैं, पेड़ों को क्यों काटते हैं, या तो वो लैंड को जो है क्लीन करते हैं क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए, या फिर उसका जो है ग्रेजिंग एरिया बनाते हैं अपने कैटल्स के लिए. तो इन सब पर्पस से जो है डिफ्रस्ट्रेशन किया जाता है. द ट्री इज़ ऑल्सो वेरी मच सोट आफ्टर फॉर इट्स हाई क्वालिटी वुड. लॉज आर इन प्लेस मेकिंग दीज एक्टिविटीज़ इलीगल, बट Unfortunately, these are often broken by the local population. लकड़ी जो है वो ट्रीज़ जो हैं, लकड़ी जो है वो आपस अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इसकी जो अच्छी लकड़ी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है. उसको काटने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, मतलब लोग उसको ना काटें ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, उस पर पनिशमेंट होता है. लेकिन और ऐसा करना जो है वो इलीगल माना जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, लोग को कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो उसको ब्रेक करते हैं, यानी रूल्स को ब्रेक करते हैं, लॉज को ब्रेक करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं. इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड नाउ दैट नॉट ओनली इज़ द मंकी पजल ट्री एंडेंजर्ड बट इट्स पॉपुलेशन हैज़ डेफिनेटली गोन डाउन. ऐसा हो आजकल जो है, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड नाउ, ऐसा यकीन हो गया है दैट नो ओनली इज़ द मंकी पजल ट्री, केवल मंकी पजल ट्री ही नहीं बल्कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी ख़त्म होने वाली है. एज़ मोर एंड मोर ट्रीज़ आर बीइंग डिस्ट्रॉयड दीज डियर प्रेजेंट्स इन ऑल्सो बिकम स्कैटर्ड एंड स्पर्स. जैसे जैसे ट्रीज़ जो है डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, ज़्यादा जैसे जैसे ज़्यादा ट्रीज़ ख़त्म किए जाएंगे, उनको नष्ट किया जाएगा, उनकी जो प्रेजेंस है वो बिखरती चली जाएगी, कम हो जाएगी. स्पर्स मीन्स विरल, कम हो जाना. अनलाइक सम फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज दीज ट्रीज़ ग्रो वेरी स्लोली एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस फॉर लॉन्ग ईयर्स. बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो ग्रो करते हैं और बहुत सालों तक उनकी जो है न्यू स्पीसीज़ नहीं पैदा हो पाती, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं. दिस फर्दर एड्स टू द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. ये जो है दिस फर्दर एड्स टू द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है. इफ़ दिस यूनिक वंडर ऑफ नेचर इज़ नॉट प्रोटेक्टेड sufficiently, your future generations may never get to see
टू सी द मंकी पजल ट्री। अगर इस बात पर रोक नहीं लगाई जाए, अगर इसे अच्छी तरह से जो है प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, आगे जो लोग आएंगे, आगे जो पॉपुलेशन आएगी, वो कभी भी मंकी पजल ट्री को नहीं देख पाएगी। तो ऐसा कम्युनिटी का ऐसा कहना है कि मंकी पजल ट्री जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी है, एंड आवर फ्यूचर जनरेशन कैन नॉट सी द मंकी पजल ट्री, एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग एंड वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इम्प्रेसिव ट्री। सो वी शुड प्रोटेक्ट ऑल दीज ट्रीज। ऑल ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल इन मेनी वेज टू और सेल्फ। हमारे लिए जो ट्रीज़ होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हमारे काम आते हैं, उनके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड वी शुड नॉट कट देम। हमें उनको काटना नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रीज़ लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मंकी पजल ट्री। ये जो है आपका मंकी पजल ट्री की पिक्चर है, आप इसे देख सकते हैं। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है और अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। इसमें जो वर्ड मीनिंग है उनको आपको लर्न करना है। जो वर्ड मीनिंग ज़्यादा बड़े हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग तो आपको लर्न करना ही है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी। जब तक आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी, आप ट्रांसलेशन में भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। सो ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर वर्ड मीनिंग्स। जितने आपके चैप्टर्स में होते हैं वो सब तो आपको लर्न करने ही हैं, इसके अलावा भी आप कोशिश किया करें कि आप जो है वर्ड मीनिंग लर्न करें। तो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग चैप्टर विच नेम इज़ द मंकी पजल ट्री। आपके जो MCQs हैं उन्हें अच्छे से लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, फॉर योर एक्टिविटी वर्क यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ मंकी पजल ट्री इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट 5 lines इन योर ओन लैंग्वेज अबाउट मंकी पजल ट्री। बुक से नहीं लिखनी है आपको, कहीं से नहीं लिखनी है आपको, जो अपनी लाइंस लिखनी है मंकी पजल ट्री के ऊपर 5 lines, और इसकी जो पिक्चर है वो आपको नोटबुक में पेस्ट करनी है। यही आपकी एक्टिविटी है एंड इट कंटेन्स 5 marks। आप जब ये वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7, तो आप इसमें एक्टिविटी करेंगे, मंकी पजल ट्री की पिक्चर उसमें पेस्ट करनी है और यू हैव टू राइट 5 lines अबाउट मंकी पजल ट्री एंड दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and you have to write these lines in your own language. Okay, you have to do it because it contains 5 marks. Okay, thank you.